आपसे कैसे बर्दाश्त होगा कि मैं किसी बड़े खानदान में चली जाऊं? आप तो मुझे नौकर की बेटी समझती है ना, तो आप मेरे लिए कोई नौकर वाला रिश्ता ढूंढेंगी? आप कैसे बर्दाश्त करेंगी कि आपकी बेटी की बराबरी कर लूं मैं? मैंने तो हमेशा आप लोगों को अपना समझा था, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि आपने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं है। मैंने सारी बातें सुन ली आप लोगों की। मेरा प्रपोजल आया था तो मुझसे तो पूछ लेती, अगर आपने तो मुझसे पूछना ही गवारा नहीं किया। मम्मा मुझे ये इतराज़ नहीं कि आपने इनकार क्यों किया, पर ये जरूर है कि आप मुझसे पूछ तो लेती। क्या पूछती मैं तुमसे? क्या पूछती? जब ये तय है कि नवाल की शादी से पहले तुम्हारी शादी किसी सूरत नहीं हो सकती। और ये किसने तय किया मम्मा? आपने? अगर आपकी सगी बेटी के लिए रिश्ता होता तब भी आप इनकार कर देती। फलक, तुम हमेशा ये सगी पराई का टॉपिक ले क्यों बैठ जाती हो? तो आप ही बताएं, और क्या कहूं मैं? अगर मैं इनकी सगी बेटी थी तो ये ऐसा करती? सिर्फ इस बिना पर रिश्ते से इनकार कर देना कि आपकी शादी से पहले मेरी शादी नहीं हो सकती, ये कौन सा इंसाफ है? तो कुछ और ही लग रहा है। क्या लग रहा है तुम्हें बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ, क्या लग रहा है तुम्हें? यही कि आपकी क्यों बर्दाश्त करेंगी कि आपकी सगी बेटी घर में बैठी रहे और नौकर की बेटी की शादी किसी बड़े घर में हो जाए। क्या कह रही हो तुम ये फलक? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। आपसे कैसे बर्दाश्त होगा कि मैं किसी बड़े खानदान में चली जाऊँ? आप तो मुझे नौकर की बेटी समझती है ना, तो आप मेरे लिए कोई नौकर वाला रिश्ता ढूंढेंगी? आप कैसे बर्दाश्त करेंगी कि आपकी बेटी की बराबरी कर लूं मैं? सुन रही हो तुम सुन रही हो ये क्या कह रही है? माँ बन के पाला है मैंने तुम्हें, तुम में और नवाल में मैंने कभी फर्क नहीं किया, और ये कह रही है कि मैं चाहती हूँ इसके अच्छे घर में शादी ना हो। झूठ बोलती हैं मामा, झूठ बोलती हैं आप। बिल्कुल, आपने मुझे सगी बेटी की तरह कभी माना ही नहीं है, और आपने मेरी परवरिश सिर्फ इसलिए की ताकि लोगों में आपकी वाह-वाह हो जाती, लोगों को पता चलता कि आपका दिल कितना बड़ा कि एक नौकर की बेटी को आपने अपने घर में रख लिया। बस फलक बस। क्या बस? मुझे क्यों चुप करवा रही हैं आप? अगर ये मुझे माँ बनकर पाती तो कभी इस रिश्ते से इनकार ना करती, बल्कि खुशी खुशी मुझे घर से रुखसत कर देती। फलक मुझे बताओ, किसने भरा ये जहर तुम्हारे दिमाग में? ये जहर नहीं है, हकीकत है मामा। आपको हजम नहीं हो रहा होगा ना कि नौकर की बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आ गया और आपकी बेटी घर में बैठी। अगर यही रिश्ता आपकी बेटी के लिए आता तो आप ऐसे ना करती। आप सिर्फ जेलस हो रही हैं मामा, आप सिर्फ जेलस हो रही हैं। फलक, तूने धोखा दिया।